तो हम देखते हैं हमारे नामजिन का सीन जो कि उस रूम से जैसे बाहर आते तो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते और फिर ना कहते हैं जिन बोलते कि वेल तुम रात को उसके साथ रफ थे और तुम वेल एक अच्छे समझ जाओ ना वैसे बोलते तो फिर कहते कि ना जो नामजिन रहता है वो बिल्कुल उसके पास आ जाता और फिर कहते कि ना नहीं समझा मैं मुझे समझाओ तुम क्या कहना चाहते हो इतना बोलते और उसके फेस पे ना एक डेविलिश लुक होता तो जो जिन होता वो ना स्पीक करते हुए कहते कि ना ओ अच्छा तो तुम नहीं समझे मैं क्या कहना चाहता हूँ तो वो कहते कि ना नहीं मैं नहीं समझा मुझे बताओ तो वो कहते हैं इसलिए तुम डम्बो हो तो फिर नहीं ये सुन के ना थोड़ा नाम जो ऐसे थोड़ा गुस्से वाला फेस बनाता है कहते मैं कोई डम्बो नहीं हूँ तो कहते हैं ना वो अच्छा तो सिंपल सी बात मैं समझ के नहीं आई तो फिर ना जो नाम जो रहता है उसको घूर के देखता था फिर ना जिन चल करता और फिर कहते कि ना मैं तुम्हारी बॉडी के बारे में बात करूँ तुम्हारी बॉडी और तुम्हारे स्टेमिना के बारे में तो ये बोलता है और फिर ना वो बिल्कुल अपना जो होता है हाथ बिल्कुल ना उसके प्राइवेट पार्ट के ऊपर रख देता है जो उसने टॉवल पहना था उसके ऊपर रख देता है हाथ तो फिर ना जो नाम जो ना तो वो ना उसके हाथ की तरफ देखता है नीचे झुक के और नीचे सर्कल के ना उसके हाथ की तरफ देखता है और फिर ना एक स्प्रे करता है और फिर ना जो जिन के ना टॉवल की नोट होती है ना उसको ओपन कर देता है और अब जिन फुली एक तरह से उसके सामने नेक देता है उसके ना उसके बेली उसके एक एट पैक्स पैक्स और जो और जो उसके ना चेस्ट और ना जो उसका प्राइवेट पार्ट था हर चीज़ उसको विजिबल हो जाती तो फिर ना जो नाम जो रहा तो उसके फुल व्यू को लेता है और फिर कहते कि ना वेल ये सेम बात मैं भी तुमसे करना चाहता था तुम रात को काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड थे अपने और मुझे लगता है कि उसकी वर्जिनिटी तो हमने काफ़ी बुरे तरीके से ले ली वो वर्जन था और वो सिर्फ 16 ईयर्स का तो फिर ना दोनों वो जो जिन होता वो कहते हैं था तो मैं तो जब उसके अंदर फर्स्ट एंटर हुआ था उसकी तो 10 मिनट्स बाद ही ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी बट उस टाइम पे तो मैं इतना होल्डिंग हो गया था मैंने इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं दिया था वो ये बोलते और फिर ना दोनों एक दूसरे की तरफ देखते और फिर ना रात की मोमेंट से याद करने लगते कि जो टैंक हो गया था जब वो दोनों बिल्कुल ही सेटिस्फाई हो गए थे तो फिर ना वो बहुत गहरी गहरी सांस लेने लगे थे और उसके बाद ना उनकी ना थोड़ी देर के लिए आँख लग जाती और फिर जब उनके बना हुआ बाद जब आइज ओपन हुई थी तो अब टाइम ना वो था 4 का टाइम था तो फिर ना जब आइज ओपन करके उठ के देखते तो अब वो अपने नॉर्मल सेंसेस में थे उस वक्त ना जरा ड्रिंक का नशा भी हो गया था उसके बाद फिर जो उनकी पर्सनल प्रॉब्लम हो गई थी तो उसकी वजह से थोड़ा ज़्यादा ही नशे में हो गए थे एक तरह से और फिजिकल नीड्स के उसके बाद फिर ना होते हैं तरफ घूर के देखते हैं और फिर ना उसकी बॉडी की तरफ वो जाते हैं नज़र तो सारा ब्लडिंग था तो फिर ना जो जिन था वो ना थोड़ा कन्फ्यूज रहता है और फिर कहते हैं ना हे ये तो तुम्हारे क्लब में था ना तो ये मुझे नहीं लगता कि ये वर्जन होना चाहिए था मीन्स जिस तरह इसे शेड्यूल किया था ये तो ऐसे लग रहा था जैसे इसका रोज़ाना का काम है तो फिर जो नाम चल रहा था वो भी ना एक हाँ वाली वॉइस कहता है और फिर ना उसको ना उठा लेते टैंक को और फिर ना उसको बाटअप में ना लेटा के अच्छे से ना सर उसको क्लीन करके ना खुद भी क्लीन हो गए शावर ले लेते हैं उसके बाद फिर ना वहाँ पे अपने क्लोज पहन के टैंक को भी ना बिल्कुल बिल्कुल उसको क्लोथ जो उन्होंने फाड़ तो दिए थे बट वहाँ पे ना अपने मैनेजर से ना न्यू क्लोथ मंगवा के ना उनको पहना उसको पहना के ना बिल्कुल यहाँ पे ना वो सैन में वो सैन आ जाते हैं वापस सियोल से तो फिर इसी तरह का सारा हुआ था और अब हम जब नामजिन के बारे में जान लेते हैं एक्चुअली ये दोनों फ्योंसे वेल अरेंज फ्योंसे जो जो इनके पेरेंट्स ने एक दूसरे को किया था इनके लिए इन दोनों को कर दिया था बट ये दोनों एक दूसरे के ना मिलते रहते थे वेल ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे मीन्स बात वगैरह हो जाती थी और एक दूसरे की मैरिज से कोई प्रॉब्लम नहीं था बट रात को जब इन्होंने टैंक को देखा तो फिर इनको ना कुछ अलग ही फील हुआ था और दोनों ही टॉप थे तो ना दोनों की आपस में ज़रा ज़्यादा बनती भी नहीं थी और एक दो दफ़ा इनकी ना इस बात पे ना बहस भी हो जाती थी कि ना बॉटम तुम बनाओगे बॉटम तुम बनाओगे तो इस वजह से करके ना थोड़ी बहस हो जाती थी और इसी की वजह से ना वो थोड़े ना अपनी मैरिज को भी डिले कर रहे थे।
कि ना भी, क्योंकि इन दोनों ने डिसाइड किया था कि बॉटम कौन होगा और अब इनको बैठे बिठाए ना एक बॉटम फुल मिल गया। तो फिर इस वो ना इस तरह से थोड़े ना वो थे सुकून में थे। और फिर अब हम देखते हैं गेटा नाइट का सीन जहाँ पे जो तियांग होता है वो ना उसकी स्लोली आइज ओपन होती है, जो वो ना रोते रोते सो गया था। और देखते हैं कि ना उसके सामने ना कोई भी नहीं है, मीन्स वो फुल रूम में बिल्कुल अकेला है। तो फिर ना वो उठता है और फिर ना उसको अचानक से उसको फील हुआ था कि ना उसको ऐसा लगा था कि वो रूम में अकेले, बट ये उसकी गलत फहमी थी। बिकॉज जब वो उठ के ना पीछे की तरफ देखते तो फिर ना वो देखे ना थोड़ा शॉक होता है, बिकॉज पीछे ना नामजिन और जिन दोनों ही किस कर रहे थे, बिकॉज दोनों अब थोड़ा वाइल्ड हो गए थे। और फिर ना उस टाइम पे ना जैसे तेंग ने उनको ऐसे देखा था, और जो तेंग था वो ना फुली ड्रेस्ड नहीं था, वो फुली कपड़ों में नहीं था, मीन्स उसकी जो उसके जो क्लोथ्स पहने थे उसको बहुत बहुत ज़्यादा लूज थे, जिसकी वजह से ना उसकी बॉडी ना काफ़ी ज़्यादा विजिबल हो रही, उसकी जो चेस्ट था वो भी काफ़ी ज़्यादा विजिबल हो रही थी, उसकी जो ना कॉलर बोन थी वो तो फुली विजिबल हो रही थी, और इस तरह करके ना उसकी हो रही थी बॉडी काफ़ी ऊपर से ना उसका काफ़ी ज़्यादा एरिया ना विजिबल हो रहा था। तो दोनों ना किसी को स्टॉप करके ना तेंग की तरफ देखते हैं, और फिर ना जो जेनो था वो ना स्पीकर था, और फिर ना जो फौरन ना उठता है और फिर ना तेंग को ना बेड में फेंक देता और उसके ऊपर आ जाता है। तो फिर ना तेंग घबरा जाता है और फिर ना फिर से पीछे होने की कोशिश करता है, पर जो ना हो जाता तो वो बिल्कुल उसके पीछे से ना उसके हाथों को पकड़ता है और उसके ना हेड के ऊपर पिन कर देते, और जो ना जिनो तो वो ना उसकी लेग्स को पकड़ के ना बिल्कुल स्ट्रेट पोस्चर में ना उसकी लेग्स को पकड़ लेता है।